नमस्कार दोस्तों, अपने स्वदेशी विमान तेजस ने चीन के JF-17 को सीधी टक्कर में हरा दिया है। जी हां, सीधी टक्कर किस तरह से? दरअसल अर्जेंटीना बहुत बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है, वो भी जो कम लागत में उसे मिले, जो सस्ते मिले और अच्छे हो। इसके लिए तेजस सबसे सुटेबल विमान है, लेकिन इसी डील को हासिल करना चाहता है चाइना अपने JF-17 को उन्हें बेच के। लगभग दोनों का यहाँ पे प्राइस लगभग लगभग सेम है, लेकिन उन्होंने कहा है, अर्जेंटीना ने ये कहा है कि हम पिछले एक साल से JF-17 पे नज़र बनाए हुए हैं, उसकी सारी खूबियों को देख रहे हैं और हर तरह से देख रहे हैं। जिन देशों के पास वो है वहाँ से रिपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ से पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। तो हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि तेजस जो है वो JF-17 से बेहतर है। जिस भी देश ने JF-17 खरीदे हैं वो ज़्यादातर वर्किंग में नहीं है, कलपुर्जों की वजह से, सर्विस की वजह से और कई दिक्कतों की वजह से। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अगर देखें तो तेजस उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तेजस एक ऐसा विमान है जो कम प्राइस में आकर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देता है। और इसके बाद यहाँ पे चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है JF-17 को बेचने के लिए। उसने ऑफ़र दिया है अर्जेंटीना को कि हम आपको यहीं पर बना के देंगे, मतलब आपके देश में, जैसे JF-17 पाकिस्तान में बन रहा है चाइना की मदद से, उसी तरह से हम JF-17 को अर्जेंटीना में बना के देंगे चाइना की मदद से। तो उन्होंने और भी बहुत सारे ऑफ़र दिए हैं, लेकिन अर्जेंटीना ने भी ये साफ कर दिया है कि इससे कहीं बेहतरीन ऑफ़र हमें भारत की तरफ से भी हैं, भारत के तेजस की तरफ से भी हैं। तो अभी ये फाइनली ये लगा लीजिए कि तेजस की वहाँ पे डील लगभग 99% फाइनल है, अगर वो किसी बहुत बड़े प्रलोभन में अर्जेंटीना नहीं आता है। तो तेजस की जीत कहीं ना कहीं भारत की जीत है, और भारत की इस जीत के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।